फाइनली फ्रेंड्स आपके सामने है पल्सर 125 कार्बन एडिशन। इस बाइक पे बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, जैसे इसका इंजन TSI इंजन का हटा दिया है कंपनी ने। और दोस्तों 125 सेगमेंट पे इस बाइक ओल्ड इज गोल्ड है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक पे आपको माइलेज मिलेगा एक्स्ट्रा और इस बाइक का प्राइसिंग भी हो गया कम। सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के। दोस्तों आप इस बाइक को खरीदने सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ही फायदा होगा दोस्तों। और पल्सर 125 का ग्रे एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन और ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन का भी डिटेल है इस वीडियो में, आपको मैं थोड़ा शेयर भी करूंगा। पहले बात करूंगा इस बाइक का जो प्राइसिंग आपको मिलेगा 1,10,000 to 12,000 रुपीज के अंदर। और एक चीज दोस्तों, प्राइसिंग थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है आपका सिटी में, क्योंकि RTO चार्जेस एंड इंश्योरेंस डिफरेंट सिटी में डिफरेंट होता है। रिव्यू स्टार्ट करूंगा दोस्तों, क्या मिला का आपको इस प्राइस पे वो देखते हैं। डिजाइन की बात करो तो दोस्तों इस बाइक का डिजाइन कोई भी चेंज नहीं किया है, कार्बन फिनिश पे आपको टोटल लुक मिलेगा जो बहुत ही स्टाइलिश है। फ्रंट वाइजर आपको अच्छा क्वालिटी का एक फाइबर का मिलेगा। और दोस्तों इसका हेडलाइट कोई भी चेंज नहीं किया है कंपनी ने, आपको हैलोजन हेडलाइट मिलेगा देख सकते हो। और इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल हैलोजन इंडिकेटर कंपनी इस पे दे रहा है। दोस्तों सामने वाला जो देख रहा हो एक कार्बन फिनिश पे आता है मानकर बहुत ही स्टाइलिश लुक किया है इस बाइक का। और दोस्तों पल्सर का लोगो आपको 3D पे मिल जाएगा। इस बाइक बहुत ही पुराना है दोस्तों और इसका स्टाइलिंग के लिए लोग इसको प्रेफरेंस देता है। दोस्त इस बाइक का और एक खासियत चीज आपको दिखाऊंगा, इसका जो सस्पेंसर आप देख रहे हो इस पे आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंसर मिलेगा। ये फिलहाल डिस वेरिएंट है, आप देख सकते हो 240mm का डिस मिलेगा। कोई भी आपको ABS का अपडेट नहीं हुआ है इस बाइक पे। दोस्तों आपको क्या राय है आप कमेंट करके बताना, क्या इस बाइक को ABS देना चाहिए था। तो दोस्तों टायर प्रोफाइल की सच की बात करो तो टायर प्रोफाइल आपको 80x100mm का टायर मिलेगा। पीछे का जो टायर साइज है दोस्तों 100x90mm का एक व्हाइट फुल्ली ट्यूबलेस टायर मिलेगा। साथ में आपको टायर हैगर मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छा खासा स्टाइलिश पे आपको प्रोवाइड करेगा बाइक में। और साथ में रिम स्टिकर भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, देख सकते हो एक आपको स्पोर्टी लुक देने के लिए। और दोस्तों पल्सर EX बाइक है, ये आपको स्पोर्टी फील देगा आपका राइड करने का टाइम। बात करूंगा इसका मेन चीज जो है इसका इंजन, आपको मिलेगा 124.9 cc सिंगल सेंटर OBD2 अपडेटेड इंजन। दोस्तों कोई भी DTSI इंजन नहीं है, तो दोस्तों इस पे E20 का अपडेट हो चुका है। इसके जरिए दोस्तों कंपनी बहुत कुछ अपडेट किया है इसका इंजन पे। इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 0 to 100 स्पीड अचीव करके दोस्तों सिर्फ 11 सेकंड पे। और दोस्तों इस बाइक पे आपको इंजन काउल भी मिल रहा है, थोड़ा स्टाइलिश लुक करने के लिए कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करे। इसका बहुत सारे वेरियंट है दोस्तों, ये जो आपको वेरियंट दिखा रहा हो आप, ये है कार्बन फाइबर वेरिएंट। दोस्तों इसका एग्जॉस्ट की बात करते हैं, एग्जॉस्ट साउंड आपको सिमिलरली नहीं मिलेगा, थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड मुझको चेंज लगा। और ये दोस्तों स्प्लिट सीट है, सो दोस्तों एक स्पोर्टी फील देने के लिए इस बाइक को कंपनी ने स्पेशली डिजाइन किया है दोस्तों। बहुत ही पॉपुलर बाइक है ये दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये बहुत स्टाइलिश है। और इस पर आपको टैंक एक पैड भी मिल रहा है जो रबर ग्रिप का है, ये आपको अच्छा खासा एक लुक देगा। और इसका माइलेज की बात करो तो दोस्तों जो मेन चीज है इस बाइक का, आपको 55 से लेके 50 के अंदर माइलेज मिल जाएगा, डिपेंड करेगा आपका राइडिंग कंडीशन के ऊपर। दोस्तों आप सिटी पे राइड करोगे तो थोड़ा कम माइलेज मिलेगा, और अब लॉन्ग राइड पे इस बाइक को लेके जाओगे तो आपको अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड कर देगा। हैंडल पोस्टर की बात करो तो आपको एक क्लिपिंग ऑन हैंडल मिलेगा जो बहुत ही खास है इस बाइक के लिए, क्योंकि दोस्तों इस सेगमेंट पे जो अदर्स बाइक पे इस तरह का से हैंडल आपको नहीं मिलेगा। और दोस्त इस पर मीटर कंसोल कोई भी अपडेट नहीं है, आपको एक डिजिटल एंड एनालॉग मीटर कंपनी यहाँ पर दे रहा है। दोस्तों इस मीटर कंसोल को थोड़ा अपडेट कर दे तो बहुत ही अच्छा होता। बात करूंगा इस बाइक का जो फुट रेस्ट, आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का फुट रेस्ट मिलेगा, साथ में आपको सारी गार्ड भी मिलेगा कंपनी फिटेड। और दोस्तों इस बाइक पे साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। इस बाइक का दोस्तों कोई भी चेन का इशू नहीं होगा। आते हैं दोस्तों मुद्दे के बाद कि आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए इस साल, क्योंकि दोस्तों बजाज पल्सर 125 का बहुत सारे वेरिएंट है। ये है कार्बन एडिशन वेरिएंट और आपके सामने ग्रे कलर ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन कलर। वो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस बाइक को आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लुक आपको प्रोवाइड करेगा। बट आता है मुद्दे के बाद, क्या इस बाइक आपके लिए परफेक्ट होगा? दोस्तों आप शोरूम पे जाकर एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और देख लीजिए इसका परफॉर्मेंस। तो माइलेज भी आपको ठीक ठाक मिलेगा, बहुत ही स्टाइलिश है। बट इस बाइक ओल्ड इज गोल्ड है दोस्तों, बहुत दिनों से कंपनी ट्रस्ट कर रहा है इस बाइक के ऊपर। तो दोस्तों पल्सर 125 रिगार्डिंग और भी चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो, फिलहाल आपका स्क्रीन में है। और दोस्तों 125 रिगार्डिंग इस चैनल पे और भी वीडियो है, आप देख सकते हो, आपको एक क्लियर कट आइडिया है जगह आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को।